आदि पुरुष का ट्रेलर आ गया है, चलिए देखते हैं कैसा है, आप और मैं मिलके देखते हैं। मेरे को भी फर्स्ट टाइम देखना है कि भैया क्या किया है दोनों प्रभास के साथ, कितना अच्छा उसको यूज़ किया और क्या एनिमेशन होने वाले हैं। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एनिमेशन के लिए, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश। सो स्टार्टिंग का ठीक लगा मेरे को, वाटर का एनिमेशन। न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। यार मैं सही बोलूं, मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। भले ये टीज़र है, ट्रेलर है, जो भी था, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। मतलब एक तो हीरो की मूछें क्यों है, क्यों भाई? मतलब आई डोंट नो, मेरे को तो इमेजिन करना मुश्किल है। शायद आपको पसंद आए, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और ये जो मतलब एनिमेशन थे, ये मैं 2D कार्टून देखता हूँ ना, वो ज़्यादा अच्छा आता है यार एनिमेशन उसका। मतलब ये बहुत बर्बाद एनिमेशन इन्होंने बनाया है। मतलब आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, मेरे को तो नहीं लग रहा था कि ऐसा इतना डाउन होगा। बट आई थिंक ये अजय देवगन का है प्रोडक्शन हाउस जिसने इसका VFX किया है, और बिलीव मी, पर्सनली मेरा पर्सनल चॉइस है, लेकिन अजय देवगन सर, आपको ना ये अपने VFX का लेवल थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। इट्स वेरी डाउन। और आई थिंक ये बहुत बड़े बजट की मूवी आनी थी, बहुत बड़ा स्टार है उसमें एक प्रभास, तो ये जस्टिस तो नहीं देता। आई होप ये 2023 तक रिलीज़ होनी है, थोड़ा तो एनिमेशन बेटर हो जाए। बहुत थर्ड क्लास एनिमेशन है, एनिमेशन का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। ये आई थिंक आज से 4-5 साल पहले शायद कार्टून के लिए यूज़ होता हो ऐसा एनिमेशन। बहुत बहुत बुरा एनिमेशन है गाइज। ये तो मेरा इनिशियल रिव्यू है, आप लोगों को इसका टीज़र कैसा लगा ये बताना। मेरे को तो आई थिंक नहीं जमा, नहीं जमा, बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक ये वो क्वालिटी है जिसके लिए हम लोग डिपेंड करेंगे। बट हो सकता है आपको पसंद आए, तो आपको पसंद आया या नहीं आया तो बताना एक बार आप जरा कमेंट करके, ठीक है? चलो देखते हैं, आई होप आगे एनिमेशन थोड़ा सा बेटर कर दें।